दतिया सैकड़ों ऊषा आशा कार्यकर्ताओं ने पीताम्बरा चौराहे पर मांग को लेकर किया आंदोलन। मध्य प्रदेश के दतिया में पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत आशा ऊषा कार्यकर्ता एवं सहयोगियों द्वारा शहर के पीताम्बरा चौराहे पर जिले भर की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी मांगे जल्द मांगी जाने की गुहार की है। इस दौरान आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की मांगे जायज हैं, वह 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और उन्हें सिर्फ 2,000 रुपये मासिक मिलते हैं। ये मौजूदा महंगाई के दौर में बेहद कम राशि है, इसे कम से कम 10,000 रुपये किया जाए। साथ ही इन आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनाई। महिलाओं के आंदोलन के चलते चौराहे पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता 2006 से अपनी 13 सूत्रीय मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन देने के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि आशा ऊषा कार्यकर्ता हमेशा जनमानस की समस्याओं के लिए काम करती रहती हैं, उनकी मांगें जायज हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संवेदनशीलता से आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की मांगों को मानना चाहिए। इसकी सेवा करती है तो इनकी सेवा को देखते हुए इन्हें उचित महत्व दें और जो इनकी जायज मांगे हैं वो मांगे मानी जाएं। ये हमारी शिवराज सिंह जी से भी प्रार्थना है और उनके शासन और प्रशासन से प्रार्थना है कि इनकी मांगे मानी जाए। देखिए, आशा कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ जो सत्याग्रह किया है, आज 20वां दिन है, किसी ने सुना है? 20वां, ये 20वां दिन है और ये कंस मामा की सरकार, ये जो मामा कहलाता है ये कंस मामा है शिवराज सिंह, इसकी सरकार जितनी बेरुखी से, जितनी बेशर्मी से इनके ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रही है, इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उनसे हम इनकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी मांगों को माना जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इनके आंदोलन जो चल रहा है उसको समाप्त किया जाए।